से क्लच को लेकर तो सिंगल क्लच ट्रैक्टर मिलेगा, अगर आप इसको फास्टिंग मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको डुअल क्लच मिल जाएगा। इंजन सर्विस में ऑयल पड़ता है वो पड़ेगा आपको 8 लीटर। ऊपर से देखते हैं काफी बड़ा स्ट्रिंग मिल जाता है, सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स, 8 फॉरवर्ड, 2 रिवर्स गियर भी मिल जाते हैं ट्रैक्टर के अंदर। नमस्कार सभी किसान भाइयों और सभी दोस्तों को, तो आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको डिटेल वीडियो रिव्यू बना करके आयसर 3 5 स्टार ट्रैक्टर का, जो कि 2022 का मॉडल है और ये नॉन पावस्टिंग मॉडल है, ठीक है ना, बेस मॉडल जिसे बोलते हैं। तो इस ट्रैक्टर की आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे हम बात कर लेते हैं शुरू में इसके फ्रंट टायर को लेकर के, तो इसके अंदर देख सकते हो 6 16 के टायर मिल जाते हैं फ्रंट टायर, जो कि अपोलो के हैं। अगर हम रियर टायर की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर के अंदर मिलेंगे आपको 13 6 28 के, ये भी आपको अपोलो के मिलते हैं। और अपोलो के टायर जो है ना वो ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के नंबर 1 टायर माने जाते हैं। बात करते हैं इसके एक्सल को लेकर के, तो इसके अंदर देख सकते हो फ्रंट एक्सल हैवी ड्यूटी मिलेगा, नॉन एडजस्टेबल। बात करते हैं इसके स्टीयरिंग को लेकर के, तो ये ट्रैक्टर आपको पावस्टिंग में मिल जाएगा, लेकिन ये मैकेनिकल स्टीयरिंग के साथ खड़ा है जो कि बेस मॉडल है, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं फ्रंट फेसर की, तो इसके अंदर देख सकते हो काफ़ी शानदार लुक के साथ फ्रंट फेसर लुक मिल जाता है। 70 किलो के लगभग कंपनी फिट इसमें वेट मिल जाता है। 5 5 इसके अंदर स्ट्रिप मिल जाती है जो कि 5 स्टार की बैजिंग को दर्शाती है। बात करते हैं इसकी लोगों की, तो इसके अंदर 3D में आयसर का लोगो मिलेगा। 2 2 इसके अंदर हाइड्रोजन हेडलैम्प मिल जाती है जो कि स्क्वायर टाइप में मिलेगी, ठीक है ना। अभी बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के हम डायमेंशन को लेकर के, कितना लंबा चौड़ा मिल जाता है। तो ट्रैक्टर के अंदर जो व्हील बेस मिलेगा वो 1905 mm का मिलेगा। बात करते हैं ट्रैक्टर के हाइट की, तो 2200 mm ट्रैक्टर की हाइट मिल जाती है। बात करते हैं इस ट्रैक्टर की ओवरऑल लेंथ की, तो 3490 mm ट्रैक्टर की ओवरऑल लेंथ मिल जाती है। बात करते हैं ट्रैक्टर की चौड़ाई की, तो 1750 mm ट्रैक्टर की चौड़ाई मिल जाती है। और अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर की वेट की, तो 1900 किलो का ट्रैक्टर में वजन मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, 365 mm ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो ये कुछ इसका डायमेंशन था। अभी बात कर लेते हैं इसके कंपनी हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या कुछ देती है। तो जैसे हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंडिकेटर प्लस पार्किंग बल्ब की, तो ये छोटे सा कॉन्सेप्ट मिल जाता है जिसमें ऊपर सेफ्टी गार्ड प्लेट भी लगा देती है कंपनी, और बड़ी शानदार लगती है, काफ़ी मजबूत है, ठीक है ना। दोनों ही फेंडर पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, हमारे पैसेंजर पकड़ के बैठ सकते हैं बड़ी मजबूती के साथ। मोबाइल चार्जिंग के लिए प्लस मोबाइल होल्डिंग के लिए इधर आयसर का ब्लैक बॉक्स दिया हुआ है। सीट की बात कर लेते हैं, इस ट्रैक्टर में आपको फिक्स सीट मिलेगी, अब ये एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती, ठीक है ना। बात करते हैं इस ट्रैक्टर गियर बॉक्स की, तो सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स, 8 फॉरवर्ड, 2 रिवर्स गियर भी मिल जाते हैं ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है ना, जो कि आपको कॉम्फी मैक्स गियर बॉक्स के साथ मिलेगा ट्रैक्टर। और पीटीओ की चाल को यहाँ से चला सकते हो, पीटीओ गियर बॉक्स ये मिल जाता है। बात करते हैं क्लच को लेकर, तो सिंगल क्लच ट्रैक्टर मिलेगा, अगर आप इसका फास्टिंग मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको डुअल क्लच मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर बात कर लेते हैं इसके फुट स्टैपर को, तो काफ़ी हैवी ड्यूटी फुट स्टैपर मिल जाता है ऊपर चढ़ने के लिए, 11 इंच का इसके अंदर क्लच मिलेगा, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं ट्रैक्टर के SFC और इसके PTO हॉर्स पावर की, तो इसके अंदर जो SFC मिलेगी 251 ग्राम किलोवाट पर घंटे SFC मिल जाती है। और बात करते हैं ट्रैक्टर की हम PTO हॉर्स पावर की, तो 32.5 HP की इसके अंदर PTO हॉर्स पावर मिल जाती है। 36 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के साथ 33 हॉर्स पावर की PTO मिल जाती है, तो कितनी जबरदस्त PTO है आप देख ही सकते हो। बात करते हैं ट्रैक्टर की वाटर सेपरेटर की, तो उधर मिल जाएगा, ठीक है ना। डीजल टैंक इधर मिलेगा जो कि 45 लीटर का मिलेगा लोहे का, और 2 2 इसके अंदर इंजन ऑयल फिल्टर मिल जाते हैं, डीजल ऑयल फिल्टर मिल जाते हैं, इंजन ऑयल फिल्टर का इधर मिलेगा, ठीक है ना। और बॉस का इनलाइन 3 पंप मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर, क्योंकि इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन मिलेगा वो सैमसंग का इंजन मिलता है। सबसे पहले मैं आपको सिलेंसर दिखाता हूं, इसका जो सिलेंसर मिलेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा पर्टिकुलर हीट गार्ड प्लेट के साथ, ठीक है ना। 5 स्टार के अंदर ये सुविधा कर दी कंपनी ने। तो जैसा आप देख सकते हो हमने इसका बोनट खोल लिया, जो कि इसका बोनट आगे की ओर गिरता है, पूरा लोहे का बोनट मिलता है सिंगल पीस, ठीक है ना। और उसके अभी इंजन के बारे में बात करते हैं ट्रैक्टर के हम, तो ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन मिलेगा उसके पहले मैं मॉडल के बारे में बताता हूँ। तो इसके अंदर जो इंजन मिलता है वो सैमसंग का मिलेगा S324F1, ये इंजन का मॉडल है। अगर हम इसके इंजन की सीसी की बात करते हैं, तो ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन की सीसी है 2365 cc का इंजन मिलेगा, 2000 rated RPM मिलेंगे, और इसके हाई एंड RPM जो पहुँचे वो 2150 से पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। और आइडियल RPM की बात करते हैं, तो 700 IDL RPM इस ट्रैक्टर के, ठीक है ना। अगर इसके हम हॉर्स पावर की बात करें, तो 36 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर मिल जाता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बोर और स्ट्रोक को लेकर के, तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो बोर मिलेगा वो 88.9 mm का तो बोर मिलेगा, और स्ट्रोक की बात करते हैं तो 127 nm का इसके अंदर स्ट्रोक मिल जाता है, ठीक है ना। और ये इंजन लगभग उसी से सिमिलर है जो मेस्सी फर्गुसन के अंदर मिलता है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इधर से, तो इसके अंदर जो मिलेगा इधर कूलेंट रिजर्व टैंक मिल जाता है, जिसमें आपको 800 ml रिजर्व टैंक आता है इसके अंदर कूलेंट का। बात करते हैं इसकी रेडिएटर की, तो इसके अंदर जो रेडिएटर पानी पड़ता है वो 1.8 लीटर आएगा। पूरे ट्रैक्टर के अंदर हम बात करते हैं, तो रेडिएटर जो पड़ता है, रेडिएटर के अंदर जो पानी आता है वो 7.4 लीटर आता है, ठीक है ना।
इंजन की बात करते हैं सर्विस की, तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन सर्विस में ऑयल पड़ता है वो पड़ेगा आपको 8 लीटर और 1.1 लीटर पड़ता है इसके ऑयल बाथ एयर क्लीनर के अंदर, यानी कि जो इसका एयर क्लीनर है वो ऑयल बाथ एयर क्लीनर मिल जाता है। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हो हम इसके राइट हैंड साइड में आ चुके हैं। इधर से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पहले इसका जो टॉर्क मिलेगा वो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको टॉर्क निकाल देता है, ये 152 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देगा। अगर हम इसकी बैकअप टॉर्क की बात करते हैं तो लगभग इसमें 18% का बैकअप टॉर्क निकाल देता है। बात करते हैं इधर से इसके डायनोमो की, यानी कि इधर से देखो बैटरी चार्ज करने में 35 एम्पीयर का मिलेगा ऑल्टरनेटर इसके अंदर। और सेल्फ स्टार्ट मोटर की बात करते हैं, 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्ट मोटर मिल जाएगी इस ट्रैक्टर के अंदर। ठीक है ना, जिसके चक्कर की बात कर लेते हैं तो इसके 6500 चक्कर मिलेंगे और इसके अंदर एक पंप मिल जाता है जो कि हाइड्रोलिक के लिए मिलेगा। इसमें पॉस्टिंग होता है तो इसके अंदर डबल पंप मिल जाता है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं इधर से, तो इसके अंदर देखें तो ओएल एम मल्टी डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। ये इसका एयर इनटेक वेंट है जिसको मैं पहले लगा देता हूँ, तो इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। वाव सर्विस मिलेगी, सुपर प्लस बैजिंग के साथ मिल जाता है ट्रैक्टर और फाइबर का टूल बॉक्स भी इधर ही मिलेगा। और सुपर प्लस के अंदर आने का मतलब ये होगा ये ट्रैक्टर 39 हॉर्स पावर की कैटेगरी के अंदर खड़ा हो जाता है ट्रैक्टर आकर के। और पैर के जो एक्सीलेटर वो काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी अच्छी जगह प्लेस कर रखी है, जो पैर पे हमारे बिल्कुल भी दुखावट नहीं करती। और इधर देखो इसमें पंप यहाँ मिल जाता है और इसके अंदर एक फिल्टर यहाँ पे मिल जाएगा जो हाइड्रोलिक फिल्टर है, और पीछे डीसी लीवर इधर मिल जाते हैं। ठीक है ना, आइए पीछे चलते हैं। तो जैसे हम पीछे आ चुके हैं, पीछे मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। पहले 12 क्विंटल लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी। पीटियो की बात करते हैं तो सिंगल पीटियो मिलेगी इसके अंदर, 5 साल चक्कर के साथ 6 स्प्रिंट टाइप पीटियो मिल जाती है। और 33 हॉर्स पावर इसके अंदर पीटियो हॉर्स पावर मिलेगी। ठीक है ना, 32.5। और अगर बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इधर से, तो इसके अंदर एडी सेंस का 3 टॉपलिंग लिंकेज मिल जाती है जो कि ऑटोमेटिक डेप्थ एंड डेट कंट्रोल मिलेगी। दोनों ही फेंडर पर ये वाइब्रेशन है उसके अंदर कंपनी रोड लगा देती है। 333 का बैजिंग मिल जाता है, नंबर प्लेट के लिए भी कंपनी प्रोविजन कर रखा। इंडिकेटर प्लस ब्रेकिंग ये बल्ब में मिलेगी आपको, एक हैलोजन बल्ब मिल जाता है। आपको इंप्लीमेंट जोड़ते हो खेती करते तो काफ़ी यूजफुल होता है। ठीक है ना, बॉटल होल्डर के साथ साथ रिफ्लेक्टिंग लाइट भी इधर मिलेगी। और कोई ट्रॉली वगैरह में पीछे इंप्लीमेंट में कोई लाइट लगाते तो उसको करंट यहाँ से देना होगा आपको। ठीक है ना, बात करते हैं गियर बक्से के ऑयल की, तो इसके अंदर 41 लीटर गियर बक्से में ऑयल पड़ता है। गारंटी की बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के अंदर, तो दो साल 2000 घंटे गारंटी मिल जाती है। ठीक है, और इसके अंदर देख सकते हो इधर सिंगल पीस डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिलेगा। आइए ऊपर इसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं ऊपर चल के। तो जैसा आप देख सकते हो ऊपर आ चुके, ऊपर से देखते काफ़ी बड़ा स्ट्रिंग मिल जाता है जो कि 4 स्पोक के साथ मिलेगा। और इधर चाबी लगती है आयसर की, आयसर की चाबी की सबसे बेस्ट बात ये होती है जो इस ट्रैक्टर के अंदर लगेगी वो ना तो किसी और में लग सकती है ना इसकी किसी में लग सकती है। एक इसमें हैंड रेस इधर मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, और काफ़ी हैवी ड्यूटी मिरर इधर मिल जाएगा। ठीक है ना, और टाइम सेट करने के लिए ये स्विच है इसका, हॉर्न इधर दे रखा है। ठीक है ना, आइए इसका एक बार मीटर दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर टाइमिंग घंटे सब डिजिटल मिलेगा, और सुइयों में सिर्फ इसका टेम्परेचर डीजल ये चीज़ बताएगा। हाँ, एक बार इसकी आवाज़ सुनते हैं, और उससे पहले मैं आपको उसकी डीजल खपत बताता हूँ। एक घंटे में ट्रैक्टर 3.5 से 4 लीटर डीजल लेगा फुल लोड के साथ। तो जैसे तो शुरू में ट्रैक्टर ज़्यादा RPM पे स्टार्ट होता है, फिर बाद में 700-800 के बीच में आकर रुक जाते हैं। तो कैसे लगी ट्रैक्टर की आवाज़ कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना। थैंक यू।